टॉप 10 लॉन्गेस्ट कार्स इन द वर्ल्ड, दुनिया की 10 सबसे लंबी कारें। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि हम कार का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो आपका जवाब होगा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। हम सब कार्स का इस्तेमाल अपने और अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए करते हैं, पर आज दुनिया में कुछ इतनी लंबी कारें मौजूद हैं जिन्हें देखकर आप उन पर विश्वास नहीं करेंगे। तो चलिए, क्योंकि हम बताने वाले हैं दुनिया की 10 लंबी कारों के बारे में जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे। 10. द फरारी लिमोजीन। फरारी लिमोजीन बहुत ही आकर्षक और मन को मोहने वाली गाड़ियों में से एक है। ये कार दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में से भी है, जिसकी लंबाई 20 फीट है, जो लगभग 2,28,07,050 रुपए कीमत की है, जो कि किसी आम आदमी के खरीदने के बस की बात नहीं है, और इसे कोई करोड़पति ही खरीद सकता है। दोस्तों, शायद ही आप जानते होंगे कि फरारी लिमोजीन एकमात्र ऐसी कार है जो लगभग 6 सेकंड में 0-100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। इसके नाम सबसे पुरानी फरारी होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और ये पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे लंबी कार फरारी लीमो ही है। इस लीमो में 3.6 लीटर इंजन होता है और इसकी अधिकतम रफ्तार 170 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। 800 लीमो अमेरिका में संग्रह कर रखी गई है और इसे आप आमतौर पर सड़कों पर नहीं देख सकते। इस कार में 8 लोगों के बैठने की जगह होती है और ये दुनिया में मौजूद बहुत ही शानदार कारों में से एक है। 9. द कॉर्वेट लीमो। कॉर्वेट लीमो नायाब तरीके से बनाई हुई एक जबरदस्त कार है, जो कि लगभग 23 फीट लंबी है। ये कार विश्व में सबसे ज्यादा चलाई जाने वाली कारों में से एक है। इस कार की सीटों पर चमकीली नियॉन लाइट लगी हुई है, जो कि इसके रूप को और भी अधिक सुंदर और आकर्षक बनाती है। ये कार दुनिया की सभी कार से अलग है, क्योंकि ये लीमो सिर्फ और सिर्फ लीमो रूट पर ही चलती है, जो कि लीमो कार्स के लिए अलग से बनाया हुआ रास्ता होता है। क्या आप जानते हैं, ये लीमो दुनिया की सबसे ज्यादा लग्जरी लीमो में से एक है, और इसमें करीब 15 लोगों के बैठने की जगह के साथ साथ एक छोटा फ्रिज भी होता है, जो कि आमतौर पर वाइन को ठंडा रखने के लिए उपयोग किया जाता है। इस कार में और भी कई सारे स्पेशल फीचर्स हैं, जैसे ग्लास होल्डर्स, कार की लेदर की सीट्स जिसमें कॉर्वेट लीमो के लोगो बने होते हैं, और ये विदेशों में ज्यादातर नाइट पार्टी के लिए उपयोग होती है। 8. द बोइंग 727 जेट लीमो। दोस्तों, बोइंग 727 जेट लीमो का नाम सुनकर अगर आप सोच रहे हैं कि यह आसमान में उड़ने वाली कोई गाड़ी है या यान है, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि असल में ये एक कार का नाम है जो कि इसे इसके आकार को देख कर दिया गया है, क्योंकि इसका आकार एक जेट के समान है, जिसे 2007 में बनाया गया था। बोइंग 727 जेट लीमो में 50 लोगों के बैठने की जगह होती है। ये कार दुनिया की सबसे लग्जरी कारों में से एक है, और इसमें कई सारे ऐसे स्पेशल फीचर्स हैं जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। इसके अंदर एक बिग स्क्रीन, टीवी, फुल बार साउंड्स और एक बहुत अद्भुत प्रकार की लाइटिंग की गई है, जो कि इसे और सभी लीमो कार से अलग बनाती है। इसमें और भी कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपके सफर को यादगार बना देंगे। बोइंग 727 जेट के अंदर जाते ही सबसे पहले आपको एक डांस फ्लोर, कई सारी अलग अलग प्रकार की लाइट्स, बार स्टूल्स के साथ एक बार, एक बेडरूम देखने को मिलेगा, जहां पर एक हार्ट के आकार का बेड होगा। इस लीमो को ज्यादातर नाइट पार्टीज के लिए उपयोग किया जाता है, और आप इस लीमो का किराया जानकर चौंक जाएंगे, जो कि 76,550 रुपए प्रति महीना है। ये कार दुनिया के सभी कारों से बिल्कुल अलग है। 7. द मिडनाइट राइडर लीमो। मिडनाइट राइडर एकमात्र ऐसी लीमो है जो ना केवल बाहर से बल्कि अंदर से भी पुराने फैशन की बनी हुई है। ये लीमो दुनिया की सबसे बड़ी लीमो से थोड़ी सी छोटी है, पर वजन में ये लीमो दुनिया में सबसे भारी है, और इसका वजन लगभग 25 टन है, जिसके वजन के मुकाबले अभी तक कोई भी दूसरी लीमो नहीं है। ये लीमो करीब 70 फीट लंबी है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे बनाने में 7 साल लगे थे। दोस्तों, एक बात जानकर चौंक जाएंगे कि इस लीमो के 90% पार्ट्स, यानी कि 4,200 पार्ट्स घर पर ही बनाए गए थे। इस लीमो में 22 टायर लगे हुए हैं, और ये एक पुराने ट्रेडिशन को दर्शाती है, जो इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। मिडनाइट राइडर की हेडलाइट बिना कोई कवर की होती है, और इसे आसानी से रोकने के लिए इसमें एडवांस ब्रेक सिस्टम भी लगाया गया है। दोस्तों, इसके मुड़ने का रेडियस लगभग 42 फुट होता है, और इसे बाहर से देखने पर यह बहुत ही साधारण और एक ट्रक के समान दिखाई देती है, लेकिन ये अंदर से बहुत ही आकर्षक और सुंदर है। इसके अंदर 40 लोग बैठ सकते हैं, और इसको अंदर से 1870 में चलने वाली ट्रेन और कारों के समान हुलिया दिया गया है। इसकी सीटों को वेलवेट और लकड़ी से बनाया गया है, और इसे अंदर से 3 भागों में बांटा गया है, जिसके बीच वाले हिस्से में कुर्सियां और टेबल, पीछे वाले हिस्से में एक प्राइवेट रूम, और आगे के हिस्से में एक बार है। 6. द अमेरिकन ड्रीम। अमेरिकन ड्रीम लीमो को दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे शानदार लीमो कहा जाता है। इसके अंदर एक टेलीविजन सेट है, और इसके अंदर कई प्रकार की लाइट्स लगी हैं, जो कि इसे और अधिक सुंदर बनाती हैं।
ये लीमो भी दुनिया के सभी बड़े लीमोज में से एक सबसे लंबी लीमो है, जिसे बड़े पैमाने पर कैलिफोर्निया के कस्टम कार गुरु जे और बर्ग द्वारा बनाया गया था। एक आश्चर्यजनक बात यह है कि इसकी लंबाई 100 फीट है, जो सभी बड़े लीमो से सबसे बड़ी बनती है। दोस्तों, इस लीमो को 90 के दशक के मध्य में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया की सबसे लंबी कार के रूप में प्रमाणित किया गया था। इस लीमो में 26 पहिए मौजूद हैं और इसमें और भी कई विशेषताएं हैं। इस लीमो में डाइविंग बोर्ड के साथ एक स्विमिंग पूल और एक राजा के ताज के आकार का पानी का बिस्तर भी है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे एक कठोर वाहन के रूप में चलाने के लिए डिजाइन किया गया था और इसमें कई ऐसी मशीनों को लगाया गया है जो लगभग 20,000 रुपए प्रति घंटे की दर से चलती हैं। इसी के साथ ये दुनिया का सबसे लंबा जमीन पर चलने वाला वाहन है। 5. बिग ब्लू लीमो। बिग ब्लू लीमो बहुत ही महंगी और लंबी लीमो में से एक है। ये लीमो लास वेगास में प्रमुख रूप से मिलती है और इसलिए लास वेगास को बिग ब्लू लीमो का घर भी कहा जाता है। बिग ब्लू लीमो दुनिया की सबसे बड़ी सड़क पर चलने वाली कानूनी कार है, जिसकी आंतरिक ऊंचाई 6 फीट है, जिसे आप पार्टी बस की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है इस लीमो को बनने में लगभग पूरे 1 साल का समय लगा था। अपनी आंतरिक सीढ़ियों के साथ बिग ब्लू लीमो दुनिया की एकमात्र ऐसी लिमोजीन है जिसमें 3 अलग VIP सेक्शन है। ये केवल 10 फीट की लीमो है जिसमें एक खिड़की भी है जो आपको शानदार प्राकृतिक दृश्य प्रदान करती है। बिग ब्लू लीमो में 11 फ्लैट स्क्रीन TV और 5,000 वॉट डॉल्बी सराउंड साउंड स्टीरियो सिस्टम है और इसकी कीमत लगभग 37 करोड़ के करीब है। दोस्तों, इसके आंतरिक केबिन की ऊंचाई पर आप खड़े हो सकते हैं और आप डांस भी कर सकते हैं। इसमें 4 एयर कंडीशनिंग के साथ साथ एक बार भी मौजूद है और इसकी सतह लकड़ी से बनी हुई है। इसी के साथ ये अंदर से अनेक प्रकार की लाइट से सजी हुई है जो कि इसकी शोभा को और बढ़ा देते हैं। 4. द कोलोसस लीमो। कोलोसस लीमो एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक लीमो है जिसे एक ट्रक को परिवर्तित कर बनाया गया है। इसकी कुल लंबाई 40 फुट है जिसमें 30 यात्री बैठ सकते हैं। इसी के साथ इसमें एक VIP कमरा, डिस्क जॉकी स्टेशन और एक पूर्ण कैरियोके सिस्टम भी है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है लिमोजीन में 11 प्लाजा TV भी हैं और इसके अंदर एक 8,000 वॉट का डॉल्बी साउंड स्टीरियो सिस्टम और एक पूर्ण डिस्क मिश्रण सिस्टम के साथ एक पायनियर डिस्क जॉकी स्टेशन भी है। ये लीमो दुनिया की एकमात्र सबसे ज्यादा मनोरंजक लीमो है जो कि अंदर से पूरी तरह लाइट से भरी हुई है जो इसे और भी ज्यादा आकर्षक बनाती है। दोस्तों, कोलोसस लीमो ही दुनिया का एकमात्र ऐसा लीमो है जो कि डीजल से चलता है, क्योंकि इसे लीमो एक ट्रक को बदल कर बनाया गया था। ये लीमो को आमतौर पर पार्टियों के लिए ही उपयोग में लिया जाता है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इसके अंदर लाइट्स की व्यवस्था एक क्लब की तरह की गई है जिसमें अनेक प्रकार की लाइट्स लगी हुई हैं जो कि उसकी शान और भी बढ़ाती हैं। 3. GP लीमो। GP लिमोजीन किसी रेसिंग कार की तरह दिखने वाली एक लीमो है जिसे माइक पेटेट के द्वारा डिजाइन किया गया था, जो कि एक कैनेडियन थे। ये माइक पेटेट की एक बहुत ही शानदार और जबरदस्त रचना है। ये पहली ऐसी गाड़ी है जो 6 यात्रियों और ड्राइवर को फिट करने के लिए बनाई गई है। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि इससे पहले किसी ने भी रेसिंग लीमो नहीं बनाई। और क्या आप सभी जानते हैं, जीपी लीमो के इंजन के बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ये वास्तव में बहुत ही प्रभावशाली है और दुनिया की सबसे तेज चलने वाली लीमो है। दोस्तों, इस लीमो में बड़े फ्रंट विंग, स्मूथ बॉडी वर्क और हाई रियर विंग है जो इसकी सुंदरता को और ज्यादा बढ़ाते हैं। इसी के साथ ये दुनिया की पहली खुले टायरों वाली लीमो है। एक जानकारी के हिसाब से जीपी लीमो 250 mph तक की गति देने में सक्षम है, जो कि विचित्र रूप से एक F1 रेसिंग कार की तुलना में काफी तेज है। ये दुनिया का अद्भुत और सबसे तेज चलने वाला लीमो है और हम में से कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि ये कैसे संभलती है। 2. सुपरबस लीमो। सुपरबस लीमो इंसानों के लिए एक अद्भुत रचना है। सुपरबस एक इलेक्ट्रॉनिक हाई स्पीड कोच जैसी लीमो कार है जो विशेष रूप से 250 किलोमीटर प्रति घंटे यानी कि 160 मील प्रति घंटे की गति से दौड़ने में सक्षम है। इस लीमो बस की लंबाई लगभग 49 फीट है जिसमें करीब 23 यात्री एक साथ बैठ सकते हैं। दोस्तों, इस लीमो कार में 860 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक इंजन होता है जो इसे और भी तेज बनाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुपरबस लीमोजीन का आकार एक कार और बस लगभग दोनों के जैसा दिखाई देता है और इसमें 16 दरवाजे होते हैं। दोस्तों, ये परिकल्पना की गई है कि इस वाहन का विशेष सुपर लेन पर चलेगा जो सर्दियों के मौसम में आइसिंग को रोकने के लिए भूगर्भीय रूप से गर्म होगा। साथ ही किसी समय सारणी का पालन करने की वजह इस वाहन को केंद्रीय रूटिंग ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम के आधार पर बदलाव के बिना पूरी यात्रा की पेशकश करने वाले विशेष यात्रियों की आवश्यकताओं के जवाब में रूट किया जाएगा। 1. लेम्बोर्गिनी एवेंटाडोर। लेम्बोर्गिनी एवेंटाडोर आज के युवाओं के लिए ड्रीम कार बनी हुई है
पर यह कार भी बहुत ही महंगी है जो कि साधारण आदमी खरीदने की सोच भी नहीं सकता। ये मुख्य रूप से एक बहुत ही शानदार और लग्जरी स्पोर्ट्स कार है। इस लीमो या कार के दरवाजे ऊपर की ओर खुलते हैं जो कि इसे और भी सुंदर बना देते हैं। इसके अंदर की सीट्स को लेदर से बनाया गया है जो कि इसकी सीट्स को गर्म रखती हैं। इस लीमो में कई प्रकार के स्पेशल फीचर्स भी हैं जो लोगों को इसकी ओर आकर्षित करते हैं। इसके अंदर एक बार, फ्रिज, टीवी और एक बेहतरीन और पावरफुल साउंड सिस्टम है। ये लीमो भी एक ताकतवर इंजन के साथ और कई सारे फीचर्स के साथ एक बहुत ही बेहतरीन कार है। साथ ये एकमात्र ऐसी कार है जो कि 0 से 100 की रफ्तार 2.9 सेकंड्स में पकड़ सकती है और ये लीमो सभी लीमो में से लगभग सबसे ज्यादा लग्जरी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। धन्यवाद।